भैया आप ही से बात कर रहा हूँ। दो मास्टर बॉल चाहिए था। हाँ मेरे पास एक किडनी है। क्या मतलब दोनों किडनी चाहिए? बात तो एक ही किडनी की हुई थी। क्या मतलब हमको कोई देख रहा है? देखो बात छुपाने की कोशिश मत करो। अरे अरे तुम लोग, अरे हम दोनों बस बात कर रहे थे, इसी तरह मजाक वजाक चलते रहता है। ब्रो भाई बर्रा तस्वीर और भाई जान, स्वागत है तुम्हारा पोकेमोन ओमेगा रूबी के कॉर्नर एपिसोड में, जहाँ पे लास्ट एपिसोड में हम पहुँच गए थे इस केव के करीब, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया था। उसके बाद मैं गया थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए, एंड यस आज हमको चलना है स्काई पिलर की ओर। तो यहाँ चलते हैं, दिस इज रूट 31। ओके चलो इसमें चलते हैं, लेट्स सी भाई, आई एम सुपर एक्साइटेड इसके अंदर क्या मिलेगा। ओके दिस इज स्काई पिलर, एंड ओ भाई साहब यहाँ पे जीनिया क्या कर रही है? So, तुम मेरे लिए आए हो, थैंक यू फॉर दैट। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन ये सही में अच्छा है रोहन, मैं उसको फील कर सकती हूँ यहाँ पे। जबकि तुम एक अच्छे लड़के हो, आई थिंक मैं तुम्हें कुछ दूंगी जो मैं बहुत पहले से रख रही हूँ। देखो वो पेंटिंग जो इस टावर के दीवालों को कवर करती है, देखो यहाँ पे ह्यूमैनिटी पोकेमंस और नेचर की अपने में ही हिस्ट्री छिपी हुई है। ये कहानियाँ हैं जो कि हजारों साल पहले के इंसेंस्टर्स और ड्रैकोनाइट से भी पहले चली आ रही है, और अब मैं तुम्हें उन अनदेखी और अनसुनी कहानियों को सुनाने वाली हूँ। हजारों साल पहले जहाँ पे प्राइमियल एनर्जी खो चुका था, वर्ल्ड ओवरफ्लो हो रहा था नेचुरल एनर्जी से, प्राइमियल ग्रोडॉन और प्राइमियल कायोगर उस एनर्जी से लड़े जो कि अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इनफैक्ट इन दोनों के पावर के बीच में लोग भी कुछ नहीं कर पाए, और एकमात्र चॉइस जो उनके पास बचा था वो था तबाही को देखना जो उनको डुबा के ले जाएगी। वो एक ऐसा समय था जब विशाल और बहुत सारे मीटियोराइट्स स्पेस के डार्कनेस से आ रहे थे, जो कि एक प्लेस है हेवन से भी ऊंचा। और एक मीटियोराइट जो कि बहुत बड़ा था, एक झरने के ऊपर गिरा जो कि घर था जहाँ ड्रैगन टाइप पोकेमोन यूजर्स रहते थे। ड्रैगन टाइप पोकेमोन यूजर मतलब ड्रैकोनाइट पीपल, जो कि ज़ीनिया भी है ऑफ कोर्स। ओके यहाँ पे हमारा कहानी का पहला चैप्टर एंड होता है, एंड भाई बहुत इंटरेस्टिंग है, चलो और दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं। वेल आई थिंक ऊपर ही जाना भाई, पोकेमोन्स मिलते हैं यहाँ पे। ओके चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने बहुत 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 सारे पोकेमोन भगाऊ यंत्र लिए हैं, मतलब रीपल लिया है सिंपली। वेल उस पीछे वाले पेंटिंग को देखो, डैट्स लुक नॉइस मैन, वहाँ पे बना क्या है? चलो वो बाद में पता चलेगा ही, फिलहाल हम लोग रीपल यूज़ कर लेते हैं। आई थिंक मेरे बैग में होगा, एंड मैक्स रिपल लिया बहुत सारे, मतलब बहुत नहीं है 80 है आई थिंक। सुपर रिपल तो मैंने कहीं नहीं खरीद लिया। वेल छोरो उस चीज़ को बाद में देखेंगे भाई, 8 काफ़ी होते हैं आई थिंक, यहाँ पे तो उतना ही काफ़ी रहना चाहिए। वेल भाई देखते हैं आगे क्या होने वाला है सेकंड चैप्टर में, एनी गेसेस कि क्या हो सकते हैं। एंड जहाँ तक उसने लास्ट वर्ड बोला था, तो अरे भाई ये मिल ही गई। ओ यहाँ हो तुम, चलो मैं जारी रखती हूँ, ये फाइनल टाइम है दो चैप्टर्स का, हे विको। और आखिर में हाँ हाँ मुझे पता है तुम बहुत उत्सुक हो। वो तो हम हैं ही दीदी जी। मीटियोर स्टोन रेनबो ब्रेस के साथ कितना गजब जीवन उसमें है। ये तब होता है जब एक बहादुर एक पोकेमोन को एक चमकते हुए पत्थर से बाहर निकालता है जो कि स्वर्ग से आया है। वो पोकेमोन और कोई नहीं रेक्वाजा था। रेक्वाजा की पावर इतनी ज्यादा थी कि दोनों प्राइमियल पोकेमोन शांति से अपनी दुनिया में चले जाते हैं, और तभी से होइन के लोग रेक्वाजा को एक ट्रू सीवियर मानने लगे। हजारों साल बाद ये मीटियोर फिर से गिर रहा है, एक बहुत बड़ा मीटियोर पिछले वाले से बहुत बहुत बड़ा प्लैनेट से टकराया और ओशन की गहराई में जाके एक बहुत बड़ा क्रेटर पैदा कर दिया जो कि पहले नहीं हुआ, और इस इवेंट से जो लैंड पैदा हुआ उसको बाद में हम लोग सूतोपॉल कहने लगे। एंड दैट इज इट, दूसरा चैप्टर खत्म हुआ। ओके भैया ये दूसरा ही चैप्टर खत्म हुआ, एंड इसके बाद भी हमको पढ़ना है, तो चलो भाई चलते हैं, लेट्स सी। वेल गाइस जैसा कि उसने स्टोरी बोला, मतलब वो जो सूतोपॉल फॉर्म हुआ वो एक अलग स्टोरी थी, एंड पहली वाली साथ से कोई अलग स्टोरी थी। वेल दोनों के बीच में वो भाई फिर से मिल ही गई है, तो चलो फिर और थोड़ा स्टोरी सुन लेते हैं इससे। वो ग्रेट मीटियोराइट बहुत सारे डिजास्टर्स में से एक था,
जब वो प्लैनेट से टकराया तो जमीन फट गई और नेचुरल एनर्जी का एक भंडार हुइन से बाहर निकला और उस एनर्जी के चाहत में प्राइमियल ग्रोडॉन और कायोगर जाग गए। लोगों ने चाहा कि उसकी एक मेमोरी हो 1000 साल बाद भी। वो चाहते थे कि लेजेंडरी पोकेमॉन जिस चाहत में उस रोशनी की इधर आए वो फिर से हो। वो बड़ा मीटियोर जो कि सूतोपोल के दिल में गिरा था उसको बहुत बहादुरी दी गई और इसी बहादुरी के लिए उसको एक बड़े पावरफुल कीस्टोन में बदल दिया गया और एक बार फिर रेक्वाजा अपने स्वर्ग से नीचे आ गया। लोग अपने कोहनियों पे नीचे गिर गए और रेक्वाजा से विश मांगने लगे कि हमें बचाओ। और जैसे ही उन्होंने ये किया लेजेंडरी पोकेमॉन में बहुत बड़ा चेंज आने लगा। वो बहुत ज्यादा ही चमकदार रोशनी से घिर गया और जब लाइट आना बंद हुआ तब उन्होंने एक रेक्वाजा को देखा जो कि बिल्कुल उनके नॉलेज के पार था। एक सबलाइन फिगर पूरे रोशनी और ताकत से घिरा हुआ। यू नो व्हाट, मतलब वो जो रेक्वाजा वहाँ पे आया था जब लोगों ने वहाँ पे मिन्नत की तो रेक्वाजा मेगा इवॉल्व हो गया सिंपली, क्योंकि उन्होंने वो मीटियोराइट से मतलब पहले जो मीटियोराइट मिला था उसे कीस्टोन बनाया, कीस्टोन के बाद मेगा रेक्वाजा मतलब रेक्वाजा उसके साथ रिएक्ट किया एंड देन वो मेगा रेक्वाजा बन गया। वेल लेट्स सी उसके बाद क्या हुआ, उसका मेगा इवोल्यूशन के बाद क्या हुआ यार, लेट्स सी। ट्रायंगलर भाई नीचे हमने एक पोकीबल छोड़ दिया तो तुम लोग मत छोड़ना, मैं थोड़ा स्टोरी पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। ओके चलो ठीक है एंड लेट्स सी अब कहाँ जाना भैया, मेरा कंट्रोलर रुक जा, चल चल चल, ओ भाई साहब यहीं पे ये। लोगों के विशेष से ट्रांसफॉर्म होने के बाद क्या रेक्वाजा ने डिजास्टर से उनको बचा लिया? रेक्वाजा एक बार फिर प्राइमियल ग्रोडॉन और कायोगर के सामने आया। उसके शरीर से जो गोल्डन फिलामेंट निकल रहा था वो पूरे आसमान को कवर कर लिया। एक चमकता हुआ रोशनी पूरे एरिया को ढक लिया और हवाएं चलने लगी। वो हवाएं और वो रोशनी प्राइमियल ग्रोडॉन और कायोगर की पावर को कम करने लगी। पावर को खींचने के साथ ही वो दोनों गहरे जमीन और समुद्र में चले गए। रेक्वाजा ने उसे जाते हुए देखा और फिर से अपना यूजुअल अपीयरेंस में आ गया और फिर से स्वर्ग में चला गया जहाँ से वो आया था। सीरीज ऑफ इवेंट का एक सबूत एक टॉल विजिटर ने दिया जो कि अलग दुनिया से आया था, उसने कहा डेल्टा। ओके सो यहीं से वो शब्द आया डेल्टा। वेल चलो ठीक है एंड यहाँ तक के स्टोरी में तुमने देखा रेक्वाजा का जो अपीयरेंस चेंज हुआ वो क्या हुआ, मेगा इवॉल्व हुआ। मेरे ख्याल से आई डोंट नो कि कुछ और भी हुआ है या फिर जैसे ग्रोडॉन का या फिर कायोगर का प्राइमियल फॉर्म है, आई डोंट नो रेक्वाजा शायद से मेगा इवॉल्व भी होता है या फिर वो प्राइमियल तो होता नहीं है। वेल लेट्स सी, क्योंकि तुमने मुझे बिल्कुल हाइप्ड कर दिया है। तुमने कमेंट्स में मतलब मैंने लास्ट एपिसोड में तुमको बोला था कि तुम बताना मत कि आगे क्या होने वाला है, फिर भी तुम लोग बता रहे थे यार, मतलब क्या ही है ये। चलो कोई बात नहीं, जो भी बताया तुमने चलो ठीक है। वेल लेट्स सी भाई, ओ भाई लास्ट चैप्टर बाकी ही है, मतलब और भी कुछ रिलेशन है स्टोरी का, चलो फिर ठीक है। अभी उसने लास्ट लाइन जो बोला था कि मेंस और पोकेमॉन्स के साथ जो रिलेशन है मतलब उसी के विशेष के कारण वो रेक्वाजा मतलब अपना अपीयरेंस चेंज किया। ओ भाई साहब जीनिया यहीं पे। एट लास्ट हम लोग फाइनल चैप्टर तक पहुंच गए। शांति के हजारों साल उस तबाही वाले समय के बाद, लेकिन ड्रैकोनाइट पीपल ने सीख लिया था अपनी लंबी हिस्ट्री से कि कभी ना कभी तो जो मीटियोराइड है वो फिर से जमीन पे गिर सकता है। जो मीटियोर वो आएगा उन्होंने अंदाज लगाया कि वो बड़ा भी हो सकता है जो पहले ना आया हो। वो मीटियोराइट इतना बड़ा भी हो सकता है कि वो पूरी दुनिया को ख़त्म कर दे। और इस बहुत बड़े डिजास्टर से बचने के लिए जिनके पास नॉलेज था उन्होंने एक प्लान बनाया। उनका प्लान था रेक्वाजा को जगाना उस ग्रेट सेवियर को ताकि वो लोग मीटियोराइट को लैंड से टकराने से पहले ही तोड़ दें। एंड दैट इज इट, और यहाँ हमारा ड्रैकोनाइट का टेल खत्म होता है। ओके एक्चुअली अब मैं पूरा प्लान समझ गया इसका, मतलब ये लड़की चाहती है कि वो रेक्वाजा को जगा दे ताकि जो मीटियोराइट आने वाला है उससे पहले ही हम लोग उसको खत्म कर सके। अब रेक्वाजा को जगाना है, दैट इज नॉट इजी मैन, देखते हैं। हाँ लेट्स सी कि क्या हमारा इंतजार कर रहा है। ओ भाई साहब ओके ये तो वही ऊपर वाला सीन है स्काई पिलर का, लेट्स सी। ओ भाई वही तारों से भरा हुआ आसमान, दैट इज प्रीटी ऑसम भाई, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। उनको देखो एस्टर, तुम हमेशा से उनको देखना चाहते थे राइट, टेलीटियोनाइट, बहुत सारे तारे अब आसमान से गिर रहे हैं। सो अब स्टार्ट होने ही वाला है।
अब हम हैप्पी नहीं है क्या? ये इससे बढ़िया क्या हो सकता है डियर एस्टर? हा हा, मेरे लिए बढ़िया हो सकता था यार, काश मैं यहाँ होती। ड्रैगन हल्ट अल्तर में तुम्हारा स्वागत है रोहन। अब तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं यहाँ क्या करने आई हूँ। डैट्स राइट, मैं यहाँ पे रिक्वाजा को बुला के इस दुनिया को उस मीटियोर से बचाना चाहती हूँ। ये मेरा कर्तव्य है। जबकि मैं जब एक छोटी लड़की थी, हमेशा मैं स्काई को देखती रहती थी। जब कभी भी मैं किसी चिंता में होती थी, ये मेरे दिल को शांत कर देता था। जब कभी भी मैं बहुत परेशान या फिर अकेला महसूस करती थी, मुझे लगता था मेरा दिल टूट जाएगा, मैं घूमती और इसको देखने लग जाती, और इसीलिए मेरा आंसू अभी तक नहीं गिरा। तुम्हारे बारे में क्या है? क्या तुम्हारे साथ कभी ये हुआ है? एक्चुअली यस, जब भी मैं टेरेस पे जाता हूँ तो ये वाली फीलिंग तो ऑफकोर्स आती ही है। एंड क्या बताऊँ, मैं तो रातों में वहाँ पे सोता भी हूँ गर्मी के टाइम में, एंड दैट माइट बी पॉसिबल कि तुम भी करते हो। मैं हर टाइम तारों को देखना बहुत पसंद करती हूँ, वो भी एस्टर के साथ। हम हमेशा साथ रहते हैं, बुरे टाइम में या फिर अच्छे टाइम में। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैंने उसे खो दिया। ओ एक्चुअली, मतलब तुम में से किसी एक गाय ने मुझे कमेंट करके बताया था कि जो इसकी सिस्टर थी वो बच्चे में ही डेथ कर गई, एंड इसको ये बहुत चाहती थी, एंड तब से ये इसको मिस करती है। हाँ, आई थिंक इसीलिए इसने अपने पोकेमन का नाम एस्टर रखा। मैं वो करूँगी, नहीं क्या इसके साथ, बस थोड़ी और देर। ओके चलो ठीक है, लेकिन अभी मेन एंट्रेंस तो बाकी ही है। भाई साहब, कैसे रिक्वाज आएगा, कैसे हम दुनिया को बचाएंगे यार। चलो। ओ भाई, ओहो मर। ओ भाई, सुबह भी हो गई। गेस, मुझे तुम्हें गुड मॉर्निंग कहना चाहिए। तुम अच्छे से सोए नहीं क्या? ओ भाई साहब, हम सोए भी थे, मुझको तो नहीं पता। तुम जब सोते हो तो तुम बहुत प्यारे लगते हो। ओ सॉरी तुमको मेन चीज से भटकाने के लिए। काफ़ी है, आई थिंक टाइम हो गया है कि मैं उसको एक साउट दूँ। मेरी हर परेशानी के लिए तुम्हें सॉरी। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो प्लीज़ इस छोटे को ले जाना। ओके, यहाँ मैं चली। लाइट ज्वेल के साथ और स्पिरिट जो कि बाहर जा रहे हैं। दो डरावनी आहटी, मेरी ग्रेट चमक, मेरा तोहफा कबूल करो। ओके, जीनिया ने जो कीस्टोन पकड़ा है उससे बहुत ज्यादा लाइट निकल रही है। वेल, भाई साहब। ओ भाई साहब, ये किन किन मंत्रों का उच्चारण हो रहा है यहाँ पे। लेट्स सी कि क्या होता है आखिरकार इसका रिजल्ट। ओ मैन, सीरियसली आ जा भैया, आ जा रखवासा, आ जाओ भाई। चलो ठीक है। ओ भाई साहब, आ गया ये लाइटनिंग एंड रखवासा आ गया। भाई साहब, अब क्या होगा? क्या रखवासा हमको खा जाएगा, या फिर क्या होगा भाई, या फिर ये पूरी दुनिया को खा जाएगा, या फिर मीटियोराइट को खा जाएगा, क्या होगा यार? रखवासा, मैंने कर दिया। अब दुनिया बच जाएगी एस्टर, मैंने ये कर दिया। ग्रेट रिक्वाजा, मेरी विश सुनो। तुम्हारे मेगा एवोल्यूशन को पाके हमको सही शक्ति मिलेगी। मुझे अपना असली चेहरा दिखाओ रिक्वाजा, पूरे प्लेनेट को बचाओ। ओके, अब यहाँ क्या हुआ? ओ भाई, जीनिया का कीस्टोन रिएक्ट नहीं कर रहा। ये कैसे हो सकता है? मैंने सारी कीस्टोन इकट्ठा की थी जिसे तुम्हारी ग्रेट पावर आ सके, और तुम यहाँ प्रकट भी हुए, तुम आ गए, और फिर क्यों? कम ऑन मेगा इवॉल्व हो, क्यों तुम क्यों नहीं हो रहे? ओ मैन, यार ये मेगा नहीं हो रहा। अब देखो, उसका कीस्टोन रिएक्ट ही नहीं कर रहा जो पैर में उसका लगा हो। भाई साहब, अब क्या होगा? क्या ये नहीं हो सकता? सिर्फ तुम जिसके पास एकमात्र ये पावर है रिक्वाजा।
वो मीटियोर रिक्वाजा के बॉडी में है, क्या ये इनफ नहीं है? ये हजारों साल ने तुम्हारी पावर को छीन ली है क्या? ओ मैम, उसके चेहरे को तो देखो यार, कितना उदास है। मतलब 1000 साल में बेचारे की रिक्वाजा की पावर चली गई, इसमें वो ही क्या कर सकता है? मतलब 1000 साल समझ रहे हो, कुछ ज़्यादा नहीं टाइम होता, इसमें तो पावर जा भी सकती है, आ भी सकती है। व्हाट अबाउट दैट यार? मैं नहीं अब ले सकती। ओ भाई साहब, मेरा ओ भाई मेरा मीटियोर ग्लो करने लगा अभी सडनली। तुमको याद हो तो हमारे पास एक मीटियोर है जो कि हमें सिर्फ जीनिया ही नहीं दिया था, मतलब जीनिया ने ही दिया था। ये यहाँ है। ओ भाई साहब, इसकी रोशनी तो और बढ़ते जा रही है। ओ भाई, ओके, ये तो और बढ़ रही है मीटियोर से जो रोशनी आ रही है। ओके चलो ठीक है, और भी ब्राइट हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, यार कुछ तो हो। ओके चलो ठीक है। क्या क्या वो मीटियोराइट? वो एक मेगा स्टोन की तरह है। वेट, व्हाट? रेक्वाजा ने उसे निगल लिया मीटियोर को? सीरियसली? अरे भाई वही तो अभी मेगा स्टोन का काम करता। ओके, ओ रेक्वाजा की बॉडी से लाइट निकल रही है। चलो, मतलब मीटियोर उसने लिया है तो ऑफकोर्स लाइट निकलेगी, क्योंकि उससे लाइट निकल रही थी और उसके मुंह से अब लाइट निकल रहा है इतना ज्यादा कि ये पूरा उजाला कर दिया है। मीटियोर का निगलना इसको मेगा स्टोन से भी ज्यादा पावर दे दिया। तुम्हारे मीटियोर ने रेक्वाजा को मेगा इवॉल्व होने तक की एनर्जी दे दी। ओ मैन सीरियसली? मतलब ये वाला जो मीटियोर था, ये तो शायद से हमको जीनिया ने ही दिया था। बट जो भी है, हमको तो जो काम करना है वो करेंगे। या जीनिया, आई नो तुम क्या कह रही हो। यस, हम तुम्हारे पावर को संभाल सकते हैं, हम रेक्वाजा के पावर को संभाल सकते हैं। एंड या, मैं अपनी जी जान लगा के इस रेक्वाजा को पकड़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि हमको इनको बचाना है। यस, आई नो जो तुम कह रही हो, तुम्हारी फीलिंग्स को मैं समझ रहा हूँ, तुम्हारे आंखों में वो झलक रहा है। या लेकिन यू नो वट, हम उसको अगले एपिसोड में पकड़ेंगे। यस ऑफ कोर्स, एंड जल्दी से जल्दी वीडियो आए इसके लिए तुम वीडियो को लाइक कर देना। सो या, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।